हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक हम लोगों ने डिफरेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आज हम लोग उससे थोड़ा और ऊपर लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वन इज इक्वल टू, टू स्टूडेंट्स वर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन वन कॉपीड द कॉन्स्टेंट टर्म इनकरेक्टली एंड गोट द रूट्स 3 and 2, द अदर कॉपीड द कॉन्स्टेंट टर्म एंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेक्टली एंड -6 and 1 रिस्पेक्टिवली। The correct roots are, so question one is, two students were solving a quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. One copied the constant term incorrectly and got the roots 3 and 2, while the other copied the constant term and the coefficient of x square correctly and got the root -6 and 1 respectively. The correct roots are, and your options are, option A is equal to 3, -2, option B is equal to -3, 2, option C is equal to -6, -6, and option D is equal to 6, -1. क्वेश्चन में बोला गया है कि दो स्टूडेंट्स हैं, उन दो स्टूडेंट्स ने एक इक्वेशन को लिखा, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक स्टूडेंट ने क्या किया कि उसने कांस्टेंट टर्म को इनकरेक्टली लिखा, मतलब उसने इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डैश इज इक्वल टू 0 समथिंग ऐसे लिखा, और उसके जो रूट्स आए उसकी वैल्यू थी 3, 2। और नेक्स्ट स्टूडेंट ने कॉपी किया तो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर को तो करेक्टली लिखा, मतलब एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स को गलत लिखा, मतलब उसकी जो इक्वेशन हुई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और उसके रूट्स जो थे -6, 1 थे। तो अभी क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्चुअल में जो करेक्ट रूट्स होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी। आपको याद हो हमने अपनी पिछले वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, रमेश एंड महेश के क्वेश्चन को। अभी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोगों में से बहुत को आइडिया हो गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो अगर आप लोग को समझ में आ गया है जस्ट पॉज दिस वीडियो हियर एंड सॉल्व द क्वेश्चन एंड प्लीज And if you get the right answer, then please let me know by comment. So, मेरे पास एक equation है, that is ax square plus bx plus c dash is equal to 0, जिसके roots हैं 3, 2, और दूसरी equation है ax square plus b dash x plus c is equal to 0, और equation के roots हैं -6, 1. पहली इक्वेशन में सी डैश जो कि एक इनकरेक्ट वैल्यू है, तो मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि अगर आपकी रूट्स के, अगर समेशन को रूट्स के एडिशन का अगर मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू -b/a, मतलब यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दोनों ही फॉर्मूले में, चाहे वो आपका एडिशन का फॉर्मूला हो चाहे मल्टीप्लीकेशन का हो, दोनों ही फॉर्मूले में टर्म जो होगी आपकी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसका इन्वॉल्वमेंट तो होगा, बट अगर आपके मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मूले की बात हो रही है वहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म का इन्वॉल्वमेंट होगा, और अगर आपके एडिशन फॉर्मूले की बात हो रही है वहाँ पर आपके कोफिशिएंट ऑफ एक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। सो सेम केस में अगर पहले इक्वेशन की मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं -b/a इज द करेक्ट टर्म, सो अगर मैं एडिशन ऑफ द रूट्स करता हूँ देन डेफिनेटली आई विल गेट द राइट वैल्यू। एडिशन ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, 2, सो रूट्स का एडिशन कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 5, मतलब b/a इज इक्वल टू -5, सो यू कैन राइट इट एज b इज इक्वल टू -5a। सेकेंड थिंग इज ax स्क्वायर प्लस b डैश x प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ सो रूट से -6 and 1, यहाँ पे अगर एडिशन ऑफ रूट्स आप निकालते हो दैट विल गिव अस अ इनकरेक्ट वैल्यू, बट हियर इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोज देन डेफिनेटली द वैल्यू विल बी करेक्ट, बिकॉज हियर c एंड a आर करेक्ट वैल्यूज। सो c/a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू -6 into 1 इज इक्वल टू -6, so you can directly write it as c is equal to -6 into a. just do one thing, put the value of b and c in your given equation. Your given equation is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0. I know the value of a, I cannot change the value of a because I am changing the value of b and c in terms of a, and by taking common the value of a from all the equation we can eliminate the a. So here ax square minus 5 a into x minus 6 a is equal to 0. That is my final equation. By taking the a common, we can eliminate it. So my final equation is equal to x square minus 5x minus 6
इज इक्वल टू जीरो. सो यहाँ पर देखा जाए तो सिक्स के ऐसे फैक्टर जिनका अगर डिफरेंस इक्वल टू हो जाए फाइव के, देन डेफिनेटली आई कैन पुट इट हियर. सो यहाँ पे देखा जाए सिक्स इंटू वन, सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव. तो सिक्स के ऐसे फैक्टर कौन कौन से होंगे? सिक्स एंड वन. सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट हियर, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. इतने पोर्शन में से अगर एक्स कॉमन ले लिया जाए, देन डेफिनेटली आई विल गेट एक्स माइनस सिक्स अ कॉमन पार्ट, एंड हियर वन कॉमन होगा, देन आई विल गेट एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. सो द वैल्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस वन. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो आई विल हैव टू रूट्स, वन इज योर सिक्स एंड सेकेंड इज योर माइनस वन. सो योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. My next question is, if alpha plus beta is equal to 3 and alpha to the power 3 plus beta to the power 3 is equal to 7, then alpha and beta are the roots of, your option A is equal to 3x square plus 9x plus 7 is equal to 0. Option B is equal to 9x square minus 27x plus 20 is equal to 0. And option C is equal to 2x square minus 6x plus 15 is equal to 0. And option D is equal to none of the अबो. सो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, मेरे पास दो वैल्यूज या दो टर्म्स दी गई हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थ्री एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू सेवन. सो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया गया हो एंड यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, देन यू हैव अ सिंपल फॉर्मूला, दैट इज अल्फा प्लस बीटा टू द होल क्यूब. वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा टू द होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. यहाँ पर अगर मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो आई कैन डू वन थिंग. इस वैल्यू को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन. इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अल्फा प्लस बीटा की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू थ्री. सो यू कैन राइट हियर थ्री क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ऑलरेडी पता है हम लोगों को, दैट इज इक्वल टू थ्री. एंड वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इट इज इक्वल टू सेवन. सो यहाँ से हम लोग अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू थ्री क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 7 इज इक्वल टू 9 अल्फा बीटा. 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. सो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सो आई कैन राइट हियर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन 9. दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स. एंड मुझे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर मुझे समेशन ऑफ रूट्स भी पता है. तो अभी क्वेश्चन क्या है कि आपको समेशन ऑफ रूट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स पता है और आपको इक्वेशन फॉर्म करनी, बिकॉज आपके ऑप्शंस में इक्वेशन दी गई है. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आई नो द वैल्यू इफ वी हैव द रूट अल्फा कॉमा बीटा, देन द इक्वेशन फॉर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो. इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है थ्री एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन 9. अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, लेट्स सी व्हाट विल आई गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 20 अपॉन 9 इज इक्वल टू जीरो. अगर मैं पूरी इक्वेशन में 9 की मल्टीप्लाई कर दूँ, देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन. I will get 9x square minus 9 into 3 is equal to 27x plus 20 is equal to 0. So, ye ho gayi hamare paas final equation. Let's see whether this equation is in option or not. My equation is equal to 9x square minus 27x plus 20. It is my option B. So, my option B is the correct answer. Let's move towards the next question. So my next question is, the condition that the roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0 be such that one root is n time of the other, then I have to find the, your option A is equal to na square is equal to bc into n plus 1 ka square. Option B is equal to nb square is equal to ac n plus 1 ka square. Option C is equal to nc square ab n plus 1 ka square. And option D is equal to none of the above. Your equation is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0.
Suppose alpha is equal to alpha, then beta is equal to, according to the question, it is equal to n alpha. So, यहाँ पर अगर बात की जा रही है, suppose this is alpha and this is n alpha, तो I know the summation of root, it is equal to alpha plus beta. Or you can write it as alpha plus n alpha is equal to minus b upon a. Suppose I am talking about the multiplication of roots, that is equal to alpha into beta, or you can write it as alpha into n alpha or n alpha square. So n alpha square is equal to c upon a. यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑलरेडी अल्फा ऐसा टर्म है जो कि मैंने खुद से क्रिएट किया है. सो अगर इक्वेशन बनानी है तो सबसे इक्वेशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो अल्फा टर्म है, अल्फा टर्म को क्या कर दो आप लोग, उसको एलिमिनेट कर दो. अल्फा टर्म को कैसे एलिमिनेट, अल्फा टर्म को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, सिंपली पहली इक्वेशन में अल्फा की डिग्री 1 है, दूसरी इक्वेशन में अल्फा की डिग्री 2 है. तो अगर पहली इक्वेशन में अल्फा की डिग्री 2 क्रिएट करके उसको डिवाइड कर दे दूसरी इक्वेशन से, देन डेफिनेटली आई विल गेट अल्फा एलिमिनेटेड. सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन 2, एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करो और उसको डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 2 से. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. अल्फा स्क्वायर इनटू एन प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी अपॉन ए. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल है और यहाँ पे एक ही एक पावर से यहाँ पे एक ही एक पावर कैंसल है, देन आई विल गेट हियर एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी ए, और यू कैन राइट इट एज सी ए एन प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर दिस स्टेटमेंट. सो लेट्स सी वेदर दिस इक्वेशन इज इन ऑप्शन और नॉट. I get the value CA into n plus 1 ka square is equal to NB square. This is your option B. So your option B is the correct answer. Next question is, if the root of the equation AX square plus BX plus C is equal to 0 are in the ratio M is to N, then option A is equal to MNA square is equal to M plus N into C square. Option B is equal to MNB square is equal to M plus N into AC. And option C is equal to MNB square into M plus N into 2AC. And option D is none of the above. Let's solve this question here. Given that I have equation AX square plus BX plus C is equal to 0. And roots are like that, alpha upon beta is equal to m upon n. So here my equation is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0, and given that alpha upon beta is equal to m upon n, मतलब हमारे roots alpha beta इस तरीके से हैं कि उनका जो ratio है that is equal to m upon n. So यहाँ पे देखते हैं, let's solve how to solve this question. So we देखते हैं question में आपको तीन कंडीशंस दी गई है, लेट्स सी व्हिच विल लाई हियर. सो आई कैन राइट हियर इट इज इक्वल टू के, सो अल्फा इज इक्वल टू एम के एंड बीटा इज इक्वल टू एन के. सो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एम के प्लस एन के इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सो हियर यू कैन राइट के इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. alpha into beta that is equal to mk into nk is equal to m into n into k square that is equal to c upon a. So here alpha into beta is equal to m into k into n into k is equal to mn into k square that is equal to c upon a. So यहाँ पर अगर बात की जाए, मुझे इक्वेशन कंप्लीट करनी है, इक्वेशन बनानी है. इक्वेशन कब बनेगी, जब उसमें अनवांटेड टर्म्स, मतलब कि कुछ टर्म्स को मैंने खुद से अज्यूम किया है, वो टर्म्स उसमें से एलिमिनेट हो जाए, देन डेफिनेटली आई विल गेट द इक्वेशन. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दैट पार्ट इज के, सो मुझे के को एलिमिनेट करना है. के को एलिमिनेट कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पे के की पावर 2 है, सो के की पावर 2 और दूसरी इक्वेशन में, सपोज दिस इज माई इक्वेशन 1
एंड दिस इज इक्वेशन टू. इक्वेशन वन में k की पावर वन है और इक्वेशन टू में k की पावर टू है. इफ आई वांट टू एलिमिनेट दिस वैल्यू देन व्हाट शुड आई डू. आई हैव टू स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग स्क्वायर करेंगे एंड देन I can divide this with equation. Here, equation 1 square divided by equation 2 is equal to k square into m plus n square divided by m into n into k square is equal to b square upon a square because minus 1 square is equal to plus 1 c upon a. यहाँ पर एक power से a cancel और यहाँ पर k square से k square cancel then definitely I will get it is equal to m plus n square divided by m into n is equal to b square upon ac or you can write it as ac m plus n square is equal to mn b square. Let's see whether this is an option or not. So your option b is the correct answer. आई होप आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपको किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है. इसी तरह के कंटेंट और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिका को.